हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसर ट्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक DIY जो आप ये बो ट्राई कर सकते हैं। ये आप हेयरबैंड्स पे भी ट्राई कर सकते हैं और इसका बन के ऊपर भी बो लगा सकते हैं, ड्रेसेस पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास रिबन्स पड़ी थी तो मैंने ये रिबन्स को ही वो बनाऊंगी। ये दो रिबन्स मैंने कट कर लिया है, इसको मैं स्टिच कर लूँगी ताकि चौड़ा बन जाए मेरा बो और वो उसका जो फ्लावर है बहुत अच्छे से आए। तो मैंने ये स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको फोल्ड करके आप यहाँ से दोबारा से स्टिच कर सकते हैं ताकि आप इसको बो बना सकें अच्छे से। तो आप इसको स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया यहाँ से, देन हम इसको बो बनाते हैं अब। और स्टिचिंग पार्ट आप मिडल में रखिए ताकि वो कवर अप हो जाए, दिखे ना आपका स्टिचिंग पार्ट। और इसको आप अच्छे से इसको ऐसे फोल्ड करिए ताकि मिडल पोर्शन अच्छे से वो स्टिच हो जाए। और हम इसको स्टिच करेंगे मिडल पे, तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। मैं ये हाथों से ही करूँगी स्टिचिंग, और ये अच्छा है, आप इसको टाइटली इसको स्टिच कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बो आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं, अपने हेयरबैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने रूम्स में बो बना के, या अपने ड्रेस पे, किसी भी ड्रेस पे आप यूज़ कर सकते हैं ये बो। और इसको आप अपने बन, आजकल हम बन बनाते तो आप उस पर भी बो बना सकते हैं। तो ये बहुत प्रीटी लगेगा आपके रूम पे भी, ये डेकोरेशन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आप ड्रेसेस पे, गाउन्स पे लगाइए। ये मिडल में लेस लगा रही हूँ स्टिचिंग पार्ट को छुपाने के लिए। आप इसको ये लेस भी ट्राई कर सकते हैं, और भी कोई लेस अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्टोन्स यूज़ करूँगी हाँ मिडल पे लगाने के लिए। तो आप इसको अच्छे से स्टिच कर दीजिए यहाँ पे। आप इसकी जगह कोई भी स्टोन ले सकते हैं, कोई भी लेस यहाँ पे ले सकते हैं। ये मैंने जो मटेरियल है वो शाइनिंग मटेरियल है, ग्रे कलर का, और ये किसी भी कपड़े के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना प्रीटी लग रहा है और वो कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस ऐसे रिबन्स ले लीजिए, ऐसे चौड़े रिबन्स आते हैं तो उसका आप बो बना सकते हैं। गिफ्ट रैप में भी बहुत अच्छा काम आएगा, ये बोज बहुत अच्छे लगेंगे डेकोरेशन के लिए। और रिबन्स मैं आपको नेक्स्ट में इसको रिबन्स के साथ बनाना सिखाऊंगी, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिए। वो भी मैं एक ड्रेस में आपको ये लगा के दिखाऊंगी। और ये मैंने बना लिया है, इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है मैंने, और मैं अब इसमें रिबन्स लगाऊंगी अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लिप पे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको अब वो एक रिबन्स पे लगाऊंगी ताकि हेयरबैंड बन जाए मेरा ये। तो मैंने ये रिबन लगा लिया है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, मैं उसको रिबन्स के साथ वो बनाना सिखाऊंगी। वो मैं ड्रेस एक बना रही हूँ, मेरा DIY है, तो आप उसमें देखना ना भूलिए। और ये मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, देखिए मैंने स्टिच कर लिया इसको अच्छे से, और कितना प्रीटी लग रहा है। आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हेयरबैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कोई भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अपने ड्रेस पे पीछे लगाइए, फ्रंट पे अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उस पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने हुक लिया है, ये टिच बटन है जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। आप इलास्टिक भी ले सकते हैं इस रिबन के जगह, और ये रिबन्स ले सकते हैं। ऐसी टाइप्स के बहुत सारे रिबन्स आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे भी ले सकते हैं आप। और मैं एक और रिबन दिखाती हूँ आपको, ऐसे भी आप रिबन्स ले सकते हैं। ये वेलवेट में है और इसका चोकर बनता है, बहुत प्रिटी बनता है। तो मैं इस पर बटन्स लगा के दिखाती हूँ आपको एंडिंग पे, ताकि ये हेयरबैंड की तरह पिनअप कर सकूँ मैं इसको। मैंने एंडिंग पे ये देखिए बटन्स लगा लिए हैं इसको, टिच बटन्स, और मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से हेयरबैंड का लुक दे देगा आपको। ये देखिए पूरा हेयरबैंड बन गया है, कितना प्रिटी लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको ट्राई करिए, अपने आप बनाइए, अपनी ड्रेस के मैचिंग का हेयरबैंड बनाइए, क्लिप बनाइए, कपड़ा बच जाए तो उसका बनाइए, बहुत प्रिटी लगेगा ये। और आप ट्राई कर सकते हैं इसको किसी के साथ भी। मैं यहाँ पे ये रिबन्स बनाया है, मैं इसकी जगह इलास्टिक भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने इलास्टिक यूज़ नहीं किया है बिकॉज इलास्टिक आपके सर पर बहुत टाइट सा फील आता है। बच्चे जो होते हैं वो हेयरबैंड निकाल देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा बर्डन सा, थोड़ा स्टिच आप समझ सकते हैं कैसा लगता है, तो वो हेयरबैंड नहीं लगाते हैं ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक यूज़ नहीं किया है, मैंने रिबन्स यूज़ करे हैं ताकि हम मेरे
हेयर्स को भी कवर अप करे, अच्छे से बॉर्डर भी दे, एक चौड़ा बॉर्डर भी आए और टाइट भी ना लगे मेरे को अपने हेड पे। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए आपको ये कैसा लगा है वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिए, मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखिए गाइज़, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज़ और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और ये देख सकते हैं मैं अपनी सिस्टर के ऊपर ये मैंने ट्राई किया, ये देखिए यहाँ पे ये टिच बटन आ गया है, ये पूरा अच्छे से फिट आया है आपके, आप अपने हेड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये कोई भी टाइट नहीं फील हो रहा है, कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ लगाया है और बिल्कुल भी टाइट फील नहीं हो रहा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके सर के लिए, आपके हेड के लिए, हेयरबैंड्स के लिए। और आप इसको ड्रेसेस पे लगाइए, पीछे लगाइए बो बना के, तो ये बहुत चुटकी लगेगा। ये सिल्वर कलर में है और इसका शाइनिंग मटेरियल भी है, तो बहुत शाइन करता है ये मटेरियल भी। देन ये मैंने एक बो, ये मैंने बन पे बो लगाया है, आप देख सकते हैं कितना प्रीटी लग रहा है। आप बन बनाइए और इस पर बो लगा लीजिए, आप क्लिप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत प्रीटी लग रहा है। आप इसको ट्राई करिए गाइज और लाइक करिए मेरे वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।